हे गाइस, दिस इज सफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल अभी आप जो देख पा रहे हो स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, या चाहो तो आप इसको लीनियर इक्वेशन भी कह सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन के पैटर्न पे भी बन सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी पैटर्न पे बन सकता है। तो आपको जो कहना कह सकते हो। और अभी मैं ऐसे क्वेश्चन का सिलेक्शन आपके सामने पेश करता हूँ जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। वैसे क्वेश्चन का भी हाल फिलहाल वीडियो बन रहा है जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में हेल्पफुल होगा। तो आपकी कोशिश यह होनी चाहिए कि वीडियो को एंड तक देखें और मैथमेटिक्स के हर एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझे। मैथ्स रटने की चीज नहीं है, कॉन्सेप्ट समझने की चीज है। तो आइए अब इस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन करने वाला हूं। आप कोशिश करोगे कि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका सॉल्यूशन कैसे होता है, जरा गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन इस प्रकार है। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ रियाज वर्क मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। मतलब यहां पे फिलहाल अभी कहने का सेंस समझ रहे हैं कि रिया का मार्क्स जो है इन मैथमेटिक्स और इंग्लिश में दोनों मिलाकर कितना है, 30 है, 30 मार्क्स है मैथमेटिक्स प्लस इंग्लिश। फिर आगे कहा जा रहा हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, 2 मार्क्स जो है मैथमेटिक्स में ज्यादा मिल जाता है, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिल जाता है, देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। तो कहने का सेंस क्या है कि मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स कम, मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज्यादा, इंग्लिश में 3 मार्क्स कम, तो उस केस में दो मैथ और इंग्लिश के मार्क्स का प्रोडक्ट 210 हो जाता है। तो आपको फाइंड करना है हर मार्क्स इन द टू सब्जेक्ट, मैथ्स में कितना मार्क्स मिला और इंग्लिश में उसने कितना मार्क्स गेन किया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आइए शानदार तरीके से इसका सॉल्यूशन भी देखते हैं। तो आप जरा गौर फरमा सकते हो, हमें दोनों सब्जेक्ट में मार्क्स चाहिए, तो लिख दीजिए लेट द मार्क्स Got Riya in mathematics BX। क्योंकि क्वेश्चन में जो हमें कह रहा है क्या कि मैथ्स और इंग्लिश ये दोनों में मिलाकर 30 मार्क्स है। तो मैथ्स में हम अगर X मान लेते हैं तो इंग्लिश में कितना होगा, लेट द मार्क्स गॉट रिया इन इंग्लिश। आप समझ सकते हो क्या होगा, दोनों मिलाकर 30 है तो x है, मैथ में x मार्क्स आता है, तो इंग्लिश में कितना होगा, 30 माइनस x। इज इट क्लियर? यहां पे फिर से याद करिए, मैंने बचपन में कभी कहा था कि जब भी 2 का सम अगर दे देगा तो उसमें x अगर मानते हो तो अनदर जो होगा 30 माइनस x होगा, लेकिन अगर डिफरेंस रहता 30 तो पहला x तो दूसरा x माइनस 30। लेकिन यहाँ पे मैथ्स और इंग्लिश दोनों का सम है 30, सो मैंने लिखा मैथ्स में x मार्क्स मिला तो इंग्लिश में 30 माइनस x। क्लियर है ना? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गॉट मारिएगा, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, तो मैथ्स में कितना मार्क्स मिला, x मार्क्स ना, और क्वेश्चन में क्या करा, 2 मार्क्स ज्यादा मिलता है तो कितना हो जाएगा, x प्लस 2। मैथ्स में x मार्क्स, 2 मार्क्स मैथ्स में ज्यादा, तो साइड सी बात है कि x प्लस 2 मार्क्स होगा मैथ्स में। फिर उसके बाद क्या करा है, 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिलता है, इंग्लिश में एक्चुअली पहले कितना मिल रहा है, 30 माइनस 6, और 3 मार्क्स कम मिल रहा है। क्या मतलब ये नहीं हुआ, 30 माइनस x तो इंग्लिश में है और 3 मार्क्स कम मिल रहा है, तो मतलब माइनस 3। क्लियर बात है? और उसके बाद कहा जा रहा है Then the product of their marks would have been 200. तो उसके बाद दोनों के मार्क्स का प्रोडक्ट 210 पाया गया। मार्क्स ये मैथ्स ये इंग्लिश दोनों का प्रोडक्ट कितना आया, 210। उम्मीद है यहाँ पर इक्वेशन मैंने जो फॉर्म किया बातें समझ में आई, क्योंकि जब तक आप ऐसे क्वेश्चंस का इक्वेशन फॉर्म नहीं कर सकते हो तो फिर सॉल्यूशन करना तो बहुत दूर की बात है। क्वेश्चन मैंने कैसे पढ़ा, मैंने क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया, ये चीज आपको आनी चाहिए, यही चीज तो आपको सीखना है। सॉल्यूशन कैसे करना, ये तो बड़ी छोटी मोटी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है।
मेन मुद्दा है कि कॉन्सेप्ट को समझना, इक्वेशन कैसे फॉर्म किया, मैंने कैसे इक्वेशन फॉर्म किया समझे। इसको चाहो तो दो इक्वेशन पे भी बना सकते हैं। चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो x प्लस टू इंटू 30 माइनस थ्री क्या होगा, 27 माइनस एक्स डेट इक्वल 210। क्लियर है। अब मल्टीप्लाई करेंगे x से इस पूरे को तो क्या होगा, 27x माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दिए। अब फिर माइनस प्लस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 दुना 54 और माइनस 2x डेट इक्वल 210। क्लियर है, दिख रहा होगा अच्छे से। चलिए अब गौर फरमाइएगा मैं क्या करने वाला हूँ। 27x माइनस 2x कितना हो जाएगा, 27x माइनस 2x 25x। क्लियर है बातें। चलिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 और प्लस 210 इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस 210 डेट इक्वल 0। तो क्या मैं यहाँ पैसा ले सकता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x और माइनस 210 और प्लस 54। तो 210 से 54 माइनस कर दीजिएगा तो 10 में 4 गया 6, 20 में 5 गया 15, यानी कि माइनस 156 आ जाएगा डेट इक्वल टू 0। यहाँ तक तो उम्मीद है बातें समझ में आई आपको। यहाँ पे मेरा जो टर्म आ गया ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आया। अब करने वाले क्या है कि इन सब में माइनस कॉमन ले लेते हैं क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर है। जब इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो मेरे को क्या आएगा, गौर फरमाइएगा आप जरा, माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 डेट इक्वल टू 0। क्लियर है, हमने माइनस कॉमन लिया तो जहां उसके बाद प्लस साइन है वो माइनस हो गया, माइनस वाला साइन प्लस हो गया तो ये माइनस तो आपका खत्म हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल 0 बाई माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। ये माइनस का मतलब होता है माइनस 1, तो माइनस 1 जब राइट में जाएगा तो 0 बाई माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। अब इसका हमें मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना है। आप बचपन में कभी पढ़े होइएगा कि एक्स स्क्वायर को 156 से मल्टीप्लाई करेंगे और मिड वाला जो टर्म है इसके लिए दो डिजिट तो चाहिए आपको। इस तरीके से उसको अरेंज करना कि जोड़ने या घटाने पर माइनस 25x आना चाहिए एंड मल्टीप्लाई करने पर 156 आना चाहिए। जरा गौर फरमा सकते हो, 156 का अगर हम करते हैं, 2 से 14, 2 8 16, 2 से 39, 3 से 13। क्लियर है बातें। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, गौर फरमाइएगा, 2 दुना 4 13 और 13 क्या होगा, 12 13 25 और 12 × 13 आपका 156 हो जाएगा। तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 दैट इक्वल टू 0। अब पेयर में हम कॉमन लेंगे क्या होगा, एक्स माइनस 12 और माइनस 13 कॉमन लेंगे इसमें तो एक्स माइनस 12 दैट इक्वल टू 0। तो मेरे को क्या आ गया, एक्स माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 13 डेट इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस 12 इक्वल 0, देन एक्स इक्वल क्या होगा, प्लस 12 एंड एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0, देन एक्स इक्वल क्या आएगा, 13। उम्मीद दिख रहा होगा। तो मेरे को एक्स का वैल्यू 2 आया और दोनों क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, 12 और 13। कभी कभी याद करिए, मैं अक्सर क्वेश्चन बनाता हूँ तो उसमें एक निगेटिव आ जाता था कभी कभी, तो उसको मैं रिजेक्ट कर देता था। लेकिन अब तो यहाँ पे मसला यह है कि दोनों 12 और 13 पॉजिटिव में है, तो किसको लूँ और किसको छोड़ूँ। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम मान लेते हैं कि व्हेन एक्स इक्वल 12, अगर हम मान लेते हैं एक्स 12, तो एक्स माने क्या थे, मैथ्स माने थे, तो मैथ्स एक्स माने थे, मैथ्स में एक्स माने थे तो वो मेरे को 12 हो जाएगा। और इंग्लिश में क्या माने थे, इंग्लिश माना था हमने क्या, 30 माइनस एक्स, तो 30 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 18 है। एक ये आंसर हो गया, 12 एंड 18, मतलब मैथ्स में 12 होगा, इंग्लिश में 18 होगा, कब, जब एक्स का वैल्यू 12 लेंगे। फिर अब देखते हैं व्हेन एक्स इक्वल 13, When x equal 13, जब x का वैल्यू 13 लेंगे तो मैथमेटिक्स में, मैथ्स में हमें कितना मार्क्स होगा, रिया को, मैथ्स में रिया को 13 हो जाएगा,
एक ये आंसर हुआ। और इंग्लिश में रिया को कितना आ जाएगा, 30 माइनस एक्स मतलब 30 माइनस 13 यानी क्या हो जाएगा 17। अगर हम एक्स का वैल्यू 12 लेंगे तो मैथ्स में 12 होगा, इंग्लिश में 18 होगा। अगर x का वैल्यू हम 13 लेते हैं तो मेरे को मैथ्स में 13 होगा और इंग्लिश में 17 होगा। इस तरीके से यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको बातें क्लियर अच्छे से आया हो। अगर आया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के भी शेयर करिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे दिली दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए एक क्वेश्चन और छोटा सा देखते हैं इसके बाद। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे हाजिर है। अब क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हो दरअसल ये पॉलिनोमियल का है। क्वेश्चन क्या है, गॉट माय, ऑप्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 इफ टू ऑफ इट्स जीरोज आर रूट अंडर 5/3 एंड माइनस रूट अंडर 5/3। बेहद शानदार क्वेश्चन है। अब समझाना मैं चाहूंगा, यहां पर जो एक वर्ड आपने देखा ऑप्टेन ऑल अदर जीरोज, ये क्या मतलब, मतलब मेरे को दो जीरोज जो दे रहा है रूट अंडर 5/3 एंड माइनस रूट अंडर 5/3, इसके अलावा और जीरोज, तो जरा सोचना है कि कितना जीरोज होगा। ये जो आप एक्सप्रेशन देख पा रहे हो इसमें दो जीरो आपका दे रहा है तो इसके अलावा और कितना जीरोज होगा। तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, हमेशा याद रखिएगा जिस पॉलिनोमियल में जितना डिग्री होगा उतना उसका जीरोज होगा। अब डिग्री कैसे फाइंड करेंगे, तो जो मैक्सिमम पावर होता है दैट विल बी द डिग्री ऑफ दैट एक्सप्रेशन, और जितना डिग्री उतना जीरोज। तो जरा सोचिए कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, लेट मान लीजिए, लेट पी एक्स पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स क्या मान लीजिए 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। तो इसका डिग्री क्या होगा 4। अब 4 कहोगे क्यों, क्योंकि मैक्सिमम पावर जो आप देख पा रहे हो 4 है, सो इसका डिग्री 4 होगा, सो इसका जीरोस भी कितना होगा 4 होगा, जिसमें 4 जीरोस में आपके सामने दो जीरोस यहां पे अवेलेबल है। तो रेस्ट हमारा कितना जीरोस हो गया, दो जीरोस। अब हमें रेस्ट और दो जीरोस फाइंड करना है। अब मसला यह है कि वो और रेस्ट दो जीरोस होगा उसे हम फाइंड करें तो कैसे करें, यही तो कॉन्सेप्ट आपको और हमें समझाना है। तो जरा सोच सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों कि यहाँ पे एक जीरो रूट अंडर 5/3 है, एक अनदर जीरो माइनस रूट अंडर 5/3 है, इसका क्या मतलब, जीरोज आखिर क्या मतलब। तो सोचिए किसी भी एक्सप्रेशन में अगर आपको जीरोज दे रहा है इसका ये मतलब यह है कि उसमें एक्स का वैल्यू है। सपोज मैं कुछ थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा, थोड़ा इस बात को मार्क करेंगे। अगर मान लीजिए कि पी एक्स आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक बात बोल रहा हूं, एक बात कह रहा हूं, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। और मान लीजिए कि इसका एक जीरो दे रहा है अल्फा, एक जीरो क्या है अल्फा है, एक जीरो क्या है अल्फा है, तो अल्फा इसका एक जीरो है, इसका क्या मतलब, मतलब यह कि उस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसका वैल्यू है। तो ये अल्फा किसका वैल्यू होगा, एक्स का वैल्यू होगा, यानी एक्स इक्वल अल्फा। अब ये x इक्वल जो अल्फा हो गया तो जरा सोचिए क्या इधर अल्फा जाएगा तो माइनस अल्फा होगा क्या, x माइनस अल्फा, तो क्या x माइनस अल्फा इसका फैक्टर होगा, बेशक फैक्टर होना चाहिए। अब कहोगे क्यों, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पे अल्फा इसका जीरोस है, इसका मतलब है कि उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि x माइनस अल्फा विल बी द फैक्टर ऑफ दैट पी एक्स। सिमिलरली यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा है कि यहां पे दो जीरोज हैं, तो मान लो अल्फा है ये बीटा है, तो आप मुझे बताओ इसका फैक्टर कितना होगा। तो इसका फैक्टर होगा, सिंपल सी बात है, ये प्लस में रूट अंडर 5/3 है, मतलब एक्स इक्वल रूट अंडर 5/3, तो जब इधर आएगा तो क्या होगा फैक्टर इसका, एक्स माइनस रूट अंडर 5/3
होगा या नहीं होगा, बेशक। दूसरा क्या है, माइनस रूट अंडर फाइव बाई थ्री, मतलब एक्स के इक्वल में है तो जब इधर आएगा तो क्या होगा, एक्स प्लस रूट अंडर फाइव बाई थ्री, एक्स प्लस रूट अंडर फाइव बाई थ्री, और इस दोनों का जो प्रोडक्ट हमें आएगा डैट विल बी द फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनोमियल। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अल्फा और बीटा अगर किसी पॉलीनोमियल का जीरोस है तो इसका फैक्टर होगा एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। बातें समझ में आ रही है, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा उसका फैक्टर होगा किसी पॉलीनोमियल का, अगर अल्फा और बीटा जीरोस है। सिंपल बात है, तो ये इसको अल्फा मान लिए, इसको बीटा मान लिए, तो एक्स माइनस रूट पाई या माइनस है तो प्लस कर दिए, ये फैक्टर होगा। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब रूट अंडर फाइव बाई थ्री का होल स्क्वायर जब करोगे तो स्क्वायर से रूट गायब हो जाए। अरे यार ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए आपका एक्स स्क्वायर और बी हो गया रूट अंडर फाइव बाई थ्री का होल स्क्वायर, मतलब फाइव बाई थ्री। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, अगर हम इसके इक्वल टू जीरो कर देते हैं तो कोई दिक्कत, तो क्या होगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव और थ्री इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, थ्री इंटू जीरो थ्री, मतलब इसको हम क्या ऐसा भी तो ले सकते हैं थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, क्योंकि थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इक्वल जीरो हो गया, ये तो एक इक्वेशन हो गया, हमें पॉलीनोमियल में जाना है तो सिंपल सी बात है जीरो को हटा देंगे तो मेरे को पॉलीनोमियल होगा। बताना यह मैं चाहूंगा, सपोज अगर मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व है तो ये आपका पॉलीनोमियल है, अगर इसके इक्वल टू जीरो कर दोगे तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा, वो कौन इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमें पॉलीनोमियल में लिखना है तो जीरो को हटा दो, जीरो को हटा दो, क्या हो गया पॉलीनोमियल हो गया। वही बात है, यहां पे इक्वल टू जीरो है, हमने इक्वल टू जीरो है तो ये इक्वेशन है, जीरो को हटा दिए तो क्या हुआ पॉलीनोमियल हुआ, क्योंकि हमें पॉलीनोमियल के केस में पढ़ रहा है। चलिए अब करना क्या है कि इस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव जो है इसका फैक्टर होगा, मतलब क्या कि इसको डिवाइड करेगा, क्या करेगा डिवाइड करेगा, थ्री एक्स का पावर फोर प्लस सिक्स एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस फाइव, क्या करेगा इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा, मतलब यह कि रिमाइंडर आपका यहां पर जीरो आना चाहिए क्योंकि फैक्टर है। गॉट माय, यहाँ पे थ्री एक्स स्क्वायर है, हमें लाना है एक्स का पावर फोर, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे आप बखूबी अच्छे अंदाज में समझ रहे हो कि एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर को इस दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा तो मेरे को आएगा थ्री एक्स फोर और माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देते हैं सामने में माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, दिस विल बी कैंसल आउट, क्या बच गया सिक्स एक्स क्यूब, सिक्स एक्स क्यूब अब प्लस पाँच एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स स्क्वायर क्या होगा प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस फाइव, क्लियर है बातें। फिर अब देखिए यहाँ पे सिक्स एक्स क्यूब है, यहाँ पे थ्री एक्स स्क्वायर है, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल सी बात है हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस टू एक्स से, यहाँ पे थ्री एक्स स्क्वायर है लाना सिक्स एक्स क्यूब है तो तीन दो से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा और साथ में एक्स स्क्वायर है लाना है तीन टू एक्स, टू एक्स से मल्टीप्लाई करना ऑब्वियसली, तो दो एक्स से इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दो ते छः एक्स क्यूब और दो एक्स इंटू पाँच दो पचे दस एक्स प्लस माइनस 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 प्लस, दिस विल कैंसल आउट, साइन चेंज करने का मतलब है कि उसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बच क्या गया थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव। अब खुद सोच सकते हो कि यहाँ पे थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव है लाना थ्री एक्स स्क्वायर है लाना यहाँ पे थ्री एक्स स्क्वायर, पहला टर्म देखा जाता है थ्री एक्स स्क्वायर है लाना थ्री एक्स स्क्वायर है तो प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को क्या आएगा थ्री एक्स स्क्वायर और इस वन को माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा यहाँ पे माइनस फाइव माइनस प्लस, ये आपका कैंसिल हो गया, रिमाइंडर क्या आया जीरो। मैंने कहा भी था कोई बात नहीं जीरो नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं उसे मतलब नहीं है, पूरा कैंसिल हो गया आपका, समझ में बात आ रही है ना, यहाँ पे रिमाइंडर एक तरह से मेरे को क्या आएगा जीरो आएगा। अब जरा सोचिए दो जीरोस तो मालूम है,
अदर जीरोस और मालूम करना है, तो अदर जीरोस मालूम करने के लिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन को इक्वेट कर देना है जीरो से और एक्स का वैल्यू फाइंड करोगे, वो रिजल्ट आएगा। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, यही तो होता है। अब इसका फैक्टराइजेशन कर दो तो सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस वन डेट इक्वल टू जीरो, तो एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस वन प्लस वन एक्स प्लस वन डेट इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन डेट इक्वल टू जीरो, तो आपका आ जाएगा एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल माइनस वन दिख रहा होगा माइनस वन। चलिए फिर आइदर करेंगे तो ये x प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल क्या होगा माइनस वन, यानी दोनों केस में हमें क्या आ रहा है x का वैल्यू नहीं दिख रहा, x का माइनस वन कोई नहीं दिख रहा, थोड़ा सा दिखा तो एक मिनट। तो यहां पर देख सकते हो x का वैल्यू क्या आया माइनस वन। अब हमें तो ऑल जीरोस लिखना है, तो सिंपल सी बात लिखे हैं क्या ऑल जीरोस, ऑल जीरोस में क्या हो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका जीरोस दे रहा है वो हो गया रूट अंडर फाइव बाई थ्री माइनस रूट अंडर फाइव बाई थ्री, और दूसरा उसके बाद दूसरा तीसरा जो होगा आपका माइनस वन और माइनस वन, और इस तरीके से हमारा ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आई, समझ में आया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए और दूर दूर में धुआं धुआं करके क्वेश्चन को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अब नए वीडियो में नए एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।